अस्सलामुअलैकुम, आप देख रहे हैं हो क्या रहा है। मैं हूं फैसल अब्बासी, मेरे साथ मौजूद हैं आरिफ निज़ामी साहब। बहुत शुक्रिया निज़ामी साहब आपका। आज बहुत सी अहम डेवलपमेंट हुई हैं। वज़ीर आला पंजाब उस्मान बुज़दार साहब नैब के दफ्तर में पेश हुए। 1 घंटा 40 मिनट तक वो वहाँ मौजूद रहे। नैब ने उन्हें एक सवालनामा भी दे दिया है जिसके जवाब उन्होंने अभी जमा करवाने हैं। इसके साथ साथ कुछ और भी इत्तलात हैं कि जो साबिक डीजी हैं, डीजी एक्साइज़ हैं, वो भी वादा माफ़ गवाह बन रहे हैं वज़ीर आला उस्मान बुज़दार के ख़िलाफ़। ज़रा सी खबर आ रही है, लेकिन इससे मुतालिक बात करेंगे इन डिटेल कि नैब की जो सिलसिला है, जो एहतसाब का एक मिशन है, उसमें अब लग ये रहा है कि ये दोधारी तलवार है, ये चारों जानिब चलेगी और सभी इसकी लपेट में आएंगे। ये किस हद तक दुरुस्त है, इस पर बात करेंगे। इसके अलावा BRT का 13 अगस्त यानी कल इफ्तिताह होने जा रहा है। ये मंसूबा एक पॉलिटिकल स्लोगन के तौर पे था PTI के लिए और अब इसका इफ्तिताह हो रहा है। इसका फ़ायदा क्या होगा, इसका कंपेरिज़न अगर करें दीगर जो ऐसी बस सर्विस है पाकिस्तान में, तो ये कितना खातिरखा और कितना सूदमंद मंसूबा है, इससे मुतालिक भी बात करेंगे। कराची का जिक्र भी करेंगे। अटर्नी जनरल ने कहा है कि कराची को बचाने के लिए मुख्तलिफ कानूनी ऑप्शंस पे गौर कर रहे हैं, इसका मतलब क्या है, ये भी बात करेंगे। लेकिन निज़ामी सब, मोस्ट इंपॉर्टेंट, कल का जो लाहौर नैब दफ्तर के बाहर का एपिसोड था, उसके बाद हमने देखा कि मरियम नवाज़ साहिबा समेत मुस्लिम लीग नून के बेशतर MNAs, MPAs, UC चेयरमैन, लीगी कारकुनान, कोई 188 के करीब ही लोग बनते हैं, उनके खिलाफ एक FIR दी गई है। अब मुस्लिम लीग नून की जानिब से कैप्टन सफदर ने भी दरख्वास्त दी है कि वो भी चाहते हैं कि कल के जो वाक़या है, जो उनकी जानिब से उनके मुताबिक जो ज़िम्मेदारान हैं उनके ख़िलाफ़ कार्रवाई और उनके ख़िलाफ़ भी FIR दर्ज की जाए। अब ये सिलसिला किस जानिब जाएगा, क्योंकि ऐसी FIRों को आम तौर पर सियासी बुनियादों पर कहा जाता है, क्या तारीख़ पाकिस्तान में वही महाजराई की तारीख अपने आप को दोहरा रही है? महाजराई तो वैसे ही ज़ोरों पर है, लेकिन दूसरी तरफ अपोजिशन तो तावन कर रही है लेजिस्लेशन में। FATF के हवाले से आज भी कुछ कवानीन पास हुए हैं, कोई एक ट्रेड और इकोनॉमिक्स के हवाले से भी हुए, कुछ कानून मंजूर हुए हैं, लेकिन हुकूमत तो अपनी इंतकामी रविश पर कायम है। अब देखें ना, हाल तो ये है कि राणा तनवीर का लिवान में मौजूद थे, उनके ख़िलाफ़ भी FIR दर्ज कर ली गई है, और ये पंजाब पुलिस जो है अपने बदनाम ज़माना टैक्टिक्स पर पूरी तरह उतर आई है। इसका एक जो अफसोसनाक बात है, जो शहबाज शरीफ साहब ने जिसकी तरफ पॉइंट आउट भी किया, कि सियासी कारकुनों को की तजलील करना, उनको हाथकड़ी लगा देना, ये मेरे ख्याल से मुनासिब रवैया नहीं है। जहाँ तक कल वाले वाक़े का तलक है, वो अफसोसनाक है। बात बड़ी पक्की है कि पत्थर कौन लाया था, कौन नहीं लाया था, लेकिन दोनों तरफ से पत्थर चले। जी ठीक है निज़ामी साहब, पत्थर दोनों जानिब से चले हैं, लेकिन राणा सनाउल्ला साहब का आज ये इल्ज़ाम आयद करना कि मरियम नवाज़ पे कातिलाना हमला हुआ है और उनकी गाड़ी को लेज़र गन से हिट किया गया, उनकी गाड़ी के विंड स्क्रीन को, अब खैर ये तो साबित करना है, वो जो इल्ज़ाम वो लगा रहे हैं, लेकिन आपको लगता है कि ऐसा हो सकता है और मरियम नवाज़ सियासत की वजह से उनकी जान को भी ख़तरा है? वो बड़ी दूर की कौड़ी लाए हैं, कोई बड़े प्रोफेशनल हिटमैन हो तो वैसा कर सकते हैं, मेरा नहीं ख्याल कि सही है। बहरहाल अब ये भी है कि जी ये पथराव भी कारकुनों ने खुद किया अपने ही लीडर के ऊपर, ये को मानने वाली बात तो नहीं है ना, और वो गाड़ी की जो डैमेज हुई है, जो फुटेज आई है, उससे लगता है कि ना सिर्फ पथराव हुआ है बल्कि ठीक ठाक पथराव हुआ है पुलिस की तरफ से भी, और टारगेटेड था जो मुझे नज़र आया कम अज़ कम, और वो भी तैयारी करके आया। दरअसल ये मरियम की एक तरह की सियासत में दोबारा वापसी की रूनुमाई थी, और पहला राउंड जो है उन्होंने बड़ी होशियारी से खेला, तशद्दुद तो अफसोसनाक है, लेकिन उनका वहाँ जाना और फिर वहाँ कायम हो जाना धरना दे के कि जी आप मुझे बुलाएं, और नैब का बकरी हो जाना, ये नैब को पहली दफ़ा मैंने देखा है कि वो तो गुर्राती रहती है वो मुलजमों के ऊपर, और मुलजम के उनके तो मुलजम तो उनकी डिक्शनरी में है ही नहीं, जो भी पेश होता है वो मुजरम होता है, तो उनको पहले तो वो दुबके रहे, उसने कहा मैं ऐसे नहीं जाऊँगी, जब उसको इन राइटिंग दिया तो वापस चली गई वो, तो इस लिहाज से वो ये राउंड तो वो जीत गई। इसमें एक और जो काबिल ज़िक्र बात है कि अपने वालिद साहब को तो उन्होंने नाम कई दफ़ा लिया, शहबाज शरीफ साहब का उन्होंने बरसबील तकसरा एक दफ़ा ज़िक्र किया उन्होंने, मेरा ख्याल है, तो इससे भी आपको पता लगता होगा कि परनाला की तरफ
बहर है। हाँ, फिर मियाँ नवाज शरीफ का अपनी बेटी को फ़ोन करना इस बात की गमाजी करता है कि ये एक बाकायदा कोई एट द स्पर ऑफ द मोमेंट नहीं, बाकायदा एक मनसूबा बंदी के तहत ये किया गया जो कुछ हुआ। अच्छा ठीक है निज़ामी साहब, यानी ये आप कह रहे हैं कि दूसरे मानों में मरियम नवाज़ की एक मरतबा फिर से लॉन्चिंग इवेंट था, लॉन्चिंग सेरेमनी थी और वो आई। निज़ामी साहब, अगर हुकूमत पंजाब हुकूमत के तर्जुमान या हुकूमती वर्जन को मान लिया जाए कि 10 लाख रुपए दिए गए, लोगों में बांटे गए और लोग पैसे लेकर यहाँ आए और पत्थर भी बरसाते रहे, तो फिर ये तो इस बात साबित होती है अगर हुकूमती बात को माना जाए कि वो नवाज़ लविंग फैक्टर और लाहौर के अंदर मुस्लिम लीग नून की वो पॉपुलैरिटी अब नहीं रही कि मुस्लिम लीग नून और मरियम नवाज़ पैसे दे के लोगों को अपने साथ ला रहे हैं। देखें ये ऐसी बातें जो जिस तर्जमान ने बात की है वो हमेशा ऐसी बातें करते रहते हैं, जब तक कोई सबूत ना हो ये कह देना जी कि सियासी कारकुन जो हैं वो पैसे लेके आए हैं, 25 लेके आए हैं, शीशा गाड़ी का शीशा तोड़ने के लिए 1 लाख में लाया, पता नहीं क्या कुछ है। लेकिन ये चीज़ें या तो ना आपके पास कोई सबूत हो, जो मतलब मेरे ख्याल से ये बात चौहान साहब ने की है, वो वहाँ पर मौजूद था जब ये ट्रांजेक्शन हुई है। दूसरा ये जो मोहतरमा की रूनमाई, कल हमने चौहान साहब से ये सवाल पूछा भी था कि आपके पास सबूत क्या है, तो उन्होंने क्या जवाब दिया था निज़ामी साहब? वो तो खैर जब उनसे ये भी सवाल किया गया कि वो नून लीग आपके खिलाफ हत्या के इज्जत के दावे की बात भी कर रही है, दूसरे मानों में वो ये कह रहे थे कि मैं तो 4 आने भी नहीं दूंगा अगर हत्या के इज्जत का दावा साबित भी हो जाता है। वैसे ये एक क्योंकि आपने बड़ी अजीब बात कही है, यहाँ पे थोड़ी सी गैर जिम्मेदारी भी नजर आती है। आपको लगता है कि उनकी इज्जत जो सिर्फ 4 आने भी नहीं है, यार ये क्या बात कर रहे हैं आप? जी जी, ये कल निज़ामी साहब उनका वर्जन था। खैर डॉक्टर मुसद्दिक मलिक साहब ने हमें ज्वाइन कर लिया है, डॉक्टर साहब बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। निज़ामी साहब डॉक्टर साहब से भी जान लेते हैं। जी डॉक्टर साहब अस्सलाम वालेकुम। जी जी अस्सलाम वालेकुम। कैसे मिजाज है जनाब? अल्लाह का करम है, कुछ आंसू गैस का फुमार है। आपके खिलाफ कोई एफआईआर तो नहीं कटी? जी अल्हम्दुलिल्लाह रिपोर्ट तो हो गई, मालूम नहीं है एफआईआर हुई। अच्छा ये बताइए जो कल वाला वाकया हुआ नायब के दफ्तर के सामने, अफसोसनाक, इसमें जो फुटेज दिखाई जा रही है वो दिखाया जा रहा है कि पत्थरों की कई थैलियाँ मोहतरमा के जुलूस के साथ आईं और वो बेदरग इस्तेमाल की गई, लेकिन जो गाड़ी का आज फुटेज दिखाया मोहतरमा ने खुद आज वो रिलीज़ किया है, उससे ज़ाहिर होता है कि पुलिस ने भी ठीक ठाक पथराव किया, तो ये क्या इसमें असल कहानी क्या? देखिए सुबह 10 बजे से लोग वहाँ पे इकट्ठे हुए थे, 9:30-10 बजे बहुत से लोग आना शुरू हो गए थे और सारा दिन कोई कार्रवाई नहीं हुई, यानी किसी ने कोई एक पत्ता भी नहीं तोड़ा। वहाँ एक पुरम एहतजाज था, जैसा कि हर शख्स का हक है कि अगर वहाँ पे उनके लीडर आ रहे हैं और लोग सॉलिडारिटी में वहाँ पर आना चाहते हैं तो ये उनका हक है। लाहौर में ना तो 144 का नफाज हुआ है जो आपको कहे कि आप किसी जगह पे इकट्ठे नहीं हो सकते, ना किसी और कानून के तहत ये कहा गया है कि आप किसी जगह पे इकट्ठे ना हो, बल्कि ये कहा गया है कि कोरोना भी ख़त्म हो चुका है, तो हर एक का हक है कि वो वहाँ पर इकट्ठा हो। वहाँ पर सुबह से लोग इकट्ठे थे। जब मरियम नवाज़ साहिबा की गाड़ी आई है तो उस वक्त आपने गालिबन वो फुटेज देखी होगी, आपके पास यकीन मुख्तलिफ आ गया होगा, जिसमें जैसे ही वो गाड़ी दाखिल होने के लिए आई है तो वहाँ पे पुलिस ने जिसको अमेरिका में मेस कहा जाता है या पेपर वाटर या पेपर स्प्रे जो होता है वो एक स्प्रे की शक्ल में लोगों के ऊपर किया है, और अगर आप वहाँ पे मौजूद होते या आपके अगर जो वहाँ पे मौजूद थे जो जितने भी रिपोर्टर्स हैं वो आपको तस्वीर भेजेंगे उन लोगों की, आप हालत देखते जिनके ऊपर वो स्प्रे गिरा है, यानी उनकी आंखें जली हुई थी, बिल्कुल लाल हो चुकी थी आंखों के एक चेहरे पर जहाँ पर वो पड़ा है स्प्रे, बिल्कुल वो शल हुए हुए थे, बेहाल हुए। वो तो मिर्चों की तरह लगती है जाके आंखों में, बड़ी लीथल चीज़ होती है। तेजाबी पानी जो है, जो मुझे बाद में पता चला कि गालिबन अभी इम्पोर्ट किया है 1 साल पहले पुलिस ने, वो फेंका गया जिसके ऊपर मुजाहिरीन जो हैं वो पीछे हटे। जब पीछे हटे तो वो पुलिस फोर्स ने ना सिर्फ उनको पहले उनके ऊपर तेजाबी पानी फेंका बल्कि उनको फिर धकेलना शुरू कर दिया,
जिसके जवाब में उन्होंने ईंटें फेंकना शुरू की और यहाँ से पुलिस ने ईंटें फेंकना शुरू की। तो ये मैं आपको कसम खा के बता सकता हूँ कि पुलिस ने हमारे सामने ईंटें फेंकी क्योंकि हम उसी तरफ खड़े हुए थे, क्योंकि हम सुबह से गए हुए थे, हम उसी तरफ खड़े थे जहाँ पर पुलिस थी। और आपने वो शायद क्लिप भी देखा हो जिसमें जुबैर साहब और एक और हमारे दोस्त जो हैं वो पना ले रहे हैं उन ईंटों से जो आ रही हैं। एक तरफ से पुलिस ईंटें फेंक रही थी और एक तरफ से मुजाहिरीन जो हैं वो ईंटें फेंक रहे थे, मगर उसके बाद फिर बेदरेख पुलिस ने आंसू गैस की शेलिंग शुरू की। एक गाड़ी सफ़ेद रंग की थी, वहाँ पर मुझे मैं नंबर उसका भूलता हूँ, ये फॉर्चूनर गाड़ी थी जिसके पिछली स्क्रीन के ऊपर जाके डायरेक्ट लगा उसका गोला कैनिस्टर जो वैसा है और वो तोड़ के गाड़ी के अंदर दाखिल हो गया। तो फिर आपने बैटन चार्ज की तस्वीरें भी देखी, आपने एक क्लिप वो भी देखा होगा जिसमें वो जिनको वो सब लोग कह रहे हैं टिकटॉक वाले साहब कि वो बड़े आराम से पुलिस के साथ जा रहे हैं पुलिस की गाड़ी में बैठने के लिए, और जैसे ही पुलिस के गाड़ी के करीब पहुंचते हैं तो फिर आपने देखा कि उन पर किस तरह का तशद्दुद किया गया। आपने तस्वीर देखी होंगी खवातीन की भी और दीगर लीडरान की भी जिनको पुलिस ने डंडे मारे, कुछ लोगों को ईंटें मारी। मिसेस मलिक जो हैं वो कल ईंट लेके घूम गई थी जो उनको पर फेंकी गई, और इसी तरह हमारी एक दो और खवातीन हैं जिनको ईंटें और पत्थर और लाठी मिली। तो ये बड़ा अजीब सा माहौल था। आपने देखा है कि बहुत से सियासी जो लीडर्स हैं वो जाते हैं नैब की जब उनकी पेशी होती है, कभी इस तरह की पुलिस वहाँ पे नहीं बुलाई गई, कभी वो आपने बड़ी गाड़ी वो बख्तरबंद गाड़ी हो जिसके ऊपर वाटर कैनन्स भी लगी होती हैं इससे पहले कब आपने देखी है नैब के दफ्तर के बाहर, इससे पहले कब आपने इस तरह की टेयर गैस वाली वो लोग देखे हैं, कब आपने देखा है कि वो स्प्रे करने वाली गन्स जो हैं उन्होंने हाथ में पकड़ी हुई जिसमें वो मिर्चों वाला या तेजाबी पानी जो है वो लोगों के चेहरों पर फेंका जाए। ये तो ऐसा लगता है कि पुलिस कोई खास किसी खास स्कीम के तहत आई हुई थी। और फिर कल मरियम नवाज साहिबा ने भी कहा कि देखें, और जब ये सारे वाकयात हुए और बिलखसूस जब मरियम नवाज साहिबा की गाड़ी के ऊपर ईंटें मारनी शुरू की जो मेरे सामने ईंटें उनकी गाड़ी को जाती थी, तो उनकी गाड़ी पीछे गई तो मुझे ऐसा लगा कि शायद वो जा रही हैं क्योंकि इस कदर ज़्यादा ईंटें मारी जा रही थी उनकी गाड़ी को भी उनकी तरफ भी और हर तरफ ईंटें थी कि मैंने सोचा शायद अब ये जा रही हैं, मगर उन्होंने आगे से यू टर्न काटा और नैब के दफ्तर के एन जो मेन गेट है उसके सामने लाके गाड़ी खड़ी कर दी जिसकी तस्वीर आपने देखी होंगी, और डेढ़ घंटा तक वो वहाँ पे गाड़ी खड़ी इसरार करती रही कि आप दरवाज़ा खोलें, आपने मुझे बुलाया है, अगर आपने मुझे बुलाया है और मैं नैब के मेन गेट के सामने खड़ी हूँ तो आप दरवाज़ा क्यों नहीं खोलते, अब तो आप शेलिंग कर चुके हैं, अब तो आप डंडे बरसा चुके हैं, अब तो आप तेजाबी पानी लोगों के ऊपर फेंक चुके हैं, तो अब क्या वजह है कि आप दरवाज़ा नहीं खोल रहे और मुझे अंदर नहीं बुला रहे। ये बड़ी एक अजीबोगरीब चीज़ थी और हम लोग यही एक दूसरे से पूछते रहे कि अगर उनको अंदर नहीं आने देना था तो फिर उनको बुलाया क्यों था। जी ये तो ठीक है, ये बताइए कि अब जो ये कल वाला वाक़ा तो इंतहाई अफसोसनाक है, फिर शहबाज शरीफ साहब ने इस पर भी बड़ी कंडेम किया कि सियासी कारकुनों को हथकड़ियाँ पहनाई जाएँ, फिर ये मुतालबा भी कहाँ तक जायज़ है कि आईजी जो हैं उनको मुस्तफ़ी हो जाना चाहिए, वो क्यों कर मुस्तफ़ी होंगे, उन्होंने तो अपना नंबर बना लिए, उन्होंने ये साबित कर दिया कि वो कितने वफादार हैं एक सियासी हुकूमत के, ये तो अपनी जगह पर रही। दूसरी तरफ मेरा आपसे ज़्यादा डीपर सवाल ये है कि ये जो कल जो कुछ हुआ मरियम साहब आई, ये फ्लैश इन द पैन है या इसके बाद मरियम जो हैं वो बाकायदा सियासत में हिस्सा लेंगी और ये इस चीज़ का सिग्नल था कि वो अपने किनारा कशी ख़त्म कर रही हैं। देखिए दो चीज़ें, आपने दो सवाल आए, ठीक है निज़ामी साहब, इस सवाल का जवाब ब्रेक के बाद लेंगे। डॉक्टर साहब ब्रेक के बाद जब वापस आएंगे तो यहीं से गुफ्तगू का सिलसिला जोड़ेंगे, हमारे साथ रहिए। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपको खुशामदीद कहेंगे। डॉक्टर साहब ब्रेक से पहले निज़ामी साहब आपसे पूछ रहे थे मरियम साहिबा अगर कल ये जो सब कुछ हुआ, लेट सपोज़ कि आपकी स्ट्रेटेजिक मूव नहीं भी थी लेकिन कल की जो अवाम का एक रिस्पांस था उसके बाद आप क्या समझते हैं, ये लाजिम हो गया आप पे कि आप इसी तरीके से चलें? नहीं, मेरा सवाल तो बड़ा सिंपल था कि इनकी सियासी रूनुमाई थी या ये फ्लैश इन द पैन था। देखिए अगर तो ये ऐसा हुआ होता कि ये तमाम जो मुकदमा मैंने आपके सामने पेश किया है ऐसा ना हुआ होता तो फिर तो ये सवाल पैदा होता। आप ये देखिए
कि क्या ये कोई हिटलर का दौर है, ये किसी और फैशिस्ट का दौर है कि यहाँ पे दो आइन है। एक आइन वो है जो पीटीआई के लिए है, जिसके तहत जब वो 4.5 महीने का धरना करें तो ये कहा जाए कि ये उनका हक है, ये उनका बुनियादी हक है। जब वो पार्लियामान पे हमला करें तो तालियां बजाएंगे, जब वो एसपी को सड़क पे घसीटें और उसका सर फाड़ दें और उसको अस्पताल में मुंतकिल होना पड़े तो तालियां बजाई जाएं कि ये एसपी जो है ये एग्रेसर था। जब वो विक्ट्री के निशानात बनाएं अपनी ही पीटीआई के पाकिस्तान टेलीविजन की इमारत पे हमला करने के बाद तो हर तरफ से पीटीआई के हैट जो हैं वो ऐसे ऐसे किए जाए। यानी ये कैसे हो सकता है कि एक ही मुल्क में दवा दो कवानीन हो, एक पार्टी को तो हक हो इश्तियाल अंगेजी का भी और सेक्रेटेरिएट को बंद करने का भी और पार्लियामान पे हमला करने का भी, और दूसरी पार्टी अगर सिर्फ अपने किसी लीडर को मिलने के लिए पुरअमन एहतजाज करने आए तो उसके ऊपर पर्चे करवा दिए जाएं, उनको मारा जाए। तकरीबन 150-200 लोग अरेस्ट किए गए। जब मरियम साहिबा की गाड़ी की गई चली गई है तो इतना उसके बाद तशद्दुद दोबारा किया गया है जब सब कुछ छट रहा था और उस वक्त लोगों को उठा उठा के गाड़ी की वैन में डाला गया। तो ये सवाल जो आप मुझसे पूछ रहे हैं, ये सवाल तो आपको हुकूमत से पूछना चाहिए कि भाई तुम्हारा मुद्दा क्या है, तुम चाहते क्या, ये मुकदमा है क्या, यानी क्या ज़बरदस्ती की दोबारा लड़ाई करनी है? अगर लड़ाई करनी है तो कर लें, कल करके देख लिए और सुक्की हुई है, सबने देखा है कि हुकूमत ने क्या किया है। तो मुझे तो ये नहीं समझ आ रहा कि हुकूमत का आखिर इसके अंदर पर्पस क्या है। जहाँ तक मरियम साहिबा का सवाल है, मरियम साहिबा को जो भी पार्टी रिस्पॉन्सिबिलिटी देगी वो उसको पूरा करेंगी, लेकिन अगर इस तरह की इश्तियाल अंगेजी की जाएगी जिस तरह की इश्तियाल अंगेजी कल की गई है तो फिर इससे ज़्यादा सख्त जवाब मिलेगा और इससे ज़्यादा सख्त प्रेस कॉन्फ्रेंसेज होंगे। ये तो नहीं हो सकता कि आप इसी तरह तशद्दुद करते रहें और आपके वो तमाम इंसानी हकूक और फ्रीडम ऑफ प्रेस और फ्रीडम ऑफ स्पीच और द फ्रीडम टू गेट टू बेसिकली कम ऑन द स्ट्रीट्स एंड प्रोटेस्ट्स, वो सब खत्म हो गए। आप मुझे कोई ये एक बात तो कोई समझाए कि ये यकतरफा चीज़ क्यों है, ये क्यों इस वक्त किसी के गुमान में नहीं आ रहा कि क्या वो 4.5 महीने सही थे या ये 4.5 घंटे सही थे। ये तो नहीं हो सकता कि वो 4.5 महीने सही हो और ये 4 घंटे गलत। यानी वहां पे आप आग भी लगाएं तो वो सही है और यहाँ पे अगर आप पुरअम लोगों के ऊपर भी तशद्दुद करें तो फिर भी वही लोग जो है गलत गर्दाने जाए, ये नहीं हो सकता। अगर ऐसा होगा तो मरियम साहिबा आवाज बुलंद करेंगी, हम सब आवाज बुलंद करेंगे, हमारी पार्टी आवाज बुलंद करेगी, हम प्रोटेस्ट करेंगे, हम असेंबली के अंदर भी प्रोटेस्ट करेंगे, हम असेंबली के बाहर भी प्रोटेस्ट। जी डॉक्टर साहब, एक सवाल कल से चल रहा है कि पहला पत्थर किसने मारा, क्योंकि रायगढ़ से जब आपकी आपका कारमा निकलता है तो उसमें भी डाले में पत्थरों के बैग्स हैं। हमारे नुमाइंदे ने वहाँ पे फुटेज भी बनाई जहाँ उसको मजामत भी हुई, तो ये नून लीग वाले पत्थर साथ क्यों लेकर आए थे? देखिए, अगर तो आपके वाकई वहाँ पे नुमाइंदे मौजूद थे तो आप ऐसा कीजिए कि उनसे पूछिए कि जब मरियम साहिबा की गाड़ी दाखिल हो रही थी तो पेपर स्प्रे या जो तेजाबी पानी है ये फेंका गया था पहले या नहीं फेंका गया था। ये तो आपके पास फुटेज मौजूद है और उसके ऊपर टाइम लगा होता है तो आप जरा देख लीजिए कि जिस टाइम पे वो तेजाबी पानी फेंका गया है उससे पहले कोई भी पत्थर हवा में आया है या नहीं। कोई एक पत्थर तो आप देख सकेंगे ना जो उस तेजाबी पानी के फेंकने से पहले हवा में गिरा और फिर उसके बाद ये कहा गया टेलीविजन पे भी और हुकूमत की तरफ से भी कि वो पानी फेंका गया था, वो पानी फिर इनकी आंखों में फेंकना चाहिए ताकि इनको पता चले वो पानी की तासीर क्या थी। ये किस तरह की बाकमाल बात है कि आपके पास टाइम स्टैम्प्ड फुटेज है जो आपको बता रही है कि किस वक्त किसने क्या किया। तो अब आप मुझे ये बताइए कि अगर किसी ने इश्तियाल अंगेजी की है तो उसको जरूर सजा मिलनी चाहिए। अगर किसी ने पत्थर मारा है किसी सरकारी अफसर को तो किसी सूरत हम उसको प्रोटेक्ट नहीं करेंगे, बिलखसूस अगर वो पार्टी का कोई लीडर होगा। डॉक्टर साहब, लेकिन अगर लेकर किस लिए आए थे? डॉक्टर साहब, आप ये तो मान रहे ना कि पत्थर लाए थे, पत्थर लेकर किस लिए आए थे? देखिए भाई, पहले तो मैं ये नहीं मान रहा हूँ आप ये कह रहे हैं, मैं ये कह रहा हूं कि अगर कोई शख्स पत्थर लाया है तो आप जरूर उसका उससे सवाल जवाब करें। हमने कब आपको मना किया कि आप उससे सवाल जवाब ना करें? लेकिन आपने किसी हम में से किसी को पत्थर उठाते देखा है? आपने हम में से किसी को पत्थर मारते देखा है? आप ये समझते हैं कि लोगों को डंडे मारे जाएं, उन पर लाठियां बरसाई जाएं,
उनको पर तेजाबी पानी फेंका जाए, डायरेक्टली उनके ऊपर आंसू गैस फेंकी जाए और वो वहां पे पत्थर भी उठाकर नहीं मारे। और आपने पुलिस, आपने ये तो बहुत देखा होगा, पूरी दुनिया में देखा होगा आपने कि पुलिस जो है वो बैटन चार्ज कर रही है, आपने देखा होगा लाठियां मारते पुलिस को देखा है, आपने ये भी देखा होगा कि पुलिस धकेल रही है हजूम को, पूरी दुनिया में देखा होगा। अच्छा, आपने पुलिस को हवाई फायरिंग भी करते देखा होगा। आप मुझे बताएं किसी एक मुल्क की ऐसी दास्तान जहां पे पुलिस उठा के ईंटें मार रही है जुलूस के ऊपर, कब है, किस जगह के ऊपर, और कौन सा कानून इजाजत देता है पुलिस को ईंटें मारने के लिए अवाम के ऊपर? जी मैंने देखी हुई है, पीएनए की तहरीक देखी हुई है, पुलिस ने गोलियां वोलियां चलाई लेकिन पत्थर तो नहीं मारे थे। बहरहाल वो भी बड़े सख्त पुलिस तजा पाकिस्तान में, पंजाब पुलिस की जो तशद्दुद की रेपुटेशन है वो तो बड़ी मुसलमा है। अच्छा ये बताइए कि आज असद उमर साहब का मैं एक ट्वीट देख रहा था कि ये हमला जो है ये सुप्रीम कोर्ट पर हमले के मुतरादिफ है और बड़ा उन्होंने इस पर काफ़ी मजम्मत की हुई थी, तो ये तस्वीर ठीक है कि ये नैब के दफ्तर के बाहर जो कुछ हुआ ये सुप्रीम कोर्ट के हमले के मुतरादिफ था? देखिए फिर आप मुकदमा असद साहब ये पेश कर रहे हैं कि पीएमएलएन के कोई किसी भी सपोर्टर को के पास कोई बुनियादी हकूक इस मुल्क में अब नहीं है, क्योंकि अगर वो बाहर निकलता है तो इसका मतलब है कि वो हमला कर रहा है, अगर वो आवाज़ उठाता है तो इसका मतलब है वो गद्दार है, या गद्दार है या मोदी का यार, ये है इस वक्त की जो सारी नैरेटिव। सिर्फ एक शख्स को आवाज़ उठाने का हक है और वो है पीटीआई की लीडरशिप और पीटीआई के लोग, वो लोगों को धकेलें, वो लोगों के ऊपर हेरोइन डालें 30-30 किलोग्राम, वो लोगों को फांसी की कोठरी में रखें, ये है मुहिब्बे वतन होने का निशान। हुब्बुल वतनी का तकाजा ये है कि वो सब कुछ करें जो उन्होंने पिछले दो साल में ऑपोजिशन के साथ और लीडर्स के साथ और फ्रेंकली आपके जो जर्नलिस्ट हैं उनके साथ किया है, ये है हुब्बुल वतनी। लेकिन अगर आगे से कोई आवाज़ उठाए, आगे से कोई पुरअमन तरीके से खड़े होने की कोशिश करे तो वो गद्दार है, और वो वही कर रहा है जो पहले हुआ है। पहले किसी जगह के ऊपर किसी ने हमला किया, महमूद गजनवी का आप शुक्र करें उन्होंने जिक्र, बल्कि उनको तो किसी राजा दाहिर का जिक्र करना चाहिए था, महमूद गजनवी तो यहाँ पे आए थे मुसलमानों की तरफ से। हमारे पास तो बुनियादी हकूक भी नहीं है, ना हमारे सपोर्टर्स के पास बुनियादी हकूक। किस बुनियाद के ऊपर ये बात कर रहे हैं? यानी वो ये कह रहे हैं कि किसी सपोर्टर के पास ये हक नहीं है कि वो सड़क के ऊपर आके अपने किसी लीडर को रिसीव करे इस मुल्क में, ये है मुकदमा जो वो पेश कर रहे हैं। और अगर कोई ऐसा करेगा तो हम उसके मुंह पे तेजाब फेंकेंगे, और अगर हम उसके मुंह पे तेजाब फेंके तो वो पत्थर ना उठाए, ये है मुकदमा जो वो पेश कर रहे हैं। भाई सुभान अल्लाह, उनकी जरा पुरानी तकारीर वो जरा कोई क्लिप्स निकाले इंसानी हकूक के और बुनियादी हकूक के, कोई इनको जरा सुनाए ये जो तमाम गुफ्तगू फरमाया करते थे, जरा आप ही बुला के किसी वक्त शर्मिंदा कीजिए और वो तमाम चीजें सुनाए, जरा 4.5 महीने की वो क्लिप्स इनको दिखाएं, जरा फैजाबाद का धरना इनको दिखाएं, और फिर उसके बाद ये सवाल पूछें कि वो सब हलाल था मगर यहाँ पे सड़क पे आना हराम ठहरा। और क्योंकि आपने एक गाड़ी के अंदर एक थैला देखा, और मैं किसी थैले को डिफेंड नहीं करूंगा, अगर किसी जगह पे किसी थैले में ईंट थी तो गलत थी, उसका बुनियादी इन्वेस्टिगेशन होनी चाहिए, लेकिन थैलों के अंदर इतनी इतनी बड़ी ईंटें डाली हों तो वो जो आपने पॉलीथीन के लिफाफे दिखाए वो फट नहीं जाते, ईंटें जिस लिफाफे में पड़ी हों वो ऐसे ट्रीट की जाती। लेकिन इसके बावजूद मैं कह रहा हूं कि अगर किसी ने ईंटें रखी हैं तो बाकायदा उसको बुला के आप उससे सवाल जवाब करें, उसका मुकदमा दर्ज करें अगर कोई ऐसी चीज है, अगर उसने कानून को अपने हाथ में लिया है। लेकिन अगर ये साबित हो जाए टाइम स्टैम्प वीडियोस के जरिए कि ये तेजाबी पानी फेंक के इश्तियाल अंगेजी को शुरू किया गया, तो सवाल फिर उठता है कि क्यों ऐसा किया। जी फैसल साहब जी, अच्छा डॉक्टर साहब लास्ट क्वेश्चन आपसे, जो राणा सनाउल्ला साहब इल्ज़ाम आयद कर रहे हैं वो कह रहे हैं लेज़र गन से मरियम साहिबा की गाड़ी पे हमला किया गया, अब ये महज इल्ज़ाम है, सियासत है या इसका कोई उनके पास सबूत भी है, वो पहले वज़ीर कानून भी रहे हैं, किस वसूख से वो ये बात कर रहे हैं और क्या उनकी बात को नून लीग का ऑफिशियल बयान समझा जाए? देखिए वो पंजाब की के सरबराह हैं और वो जो भी बात करते हैं बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी के साथ करते हैं, मेरे पास कुछ ऐसी चीज़ नहीं है, कोई ऐसी इतला नहीं है कि मैं उसकी तस्दीक कर सकूं और आपको बता सकूं कि लेज़र गन्स के ज़रिए हमला किया, लेकिन ईंटें पत्थर ये तमाम चीज़ें तो मेरी नज़रों के सामने हुई, इन्हें मैं कैसे डिनाई करूँ? वो लेज़र गाइडेड पत्थर थे या नहीं थे ये तो बाद में बात करेंगे, आप मुझे ये बताइए वो पत्थर थे या नहीं थे,
वो ईंटें थी या नहीं थी। अब वो मुझे कानून बताइए जिसके तहत उनकी गाड़ी के ऊपर खुद आपने नैब में उनको बुलाया गया है, आपने बुलाया नैब में उनको, तो हिफाजत उनकी आप पे मुकर्रर। और अगर आप ही की तरफ से ईंटें मारी जाती हैं उनको, उसके बाद एक ऐसे ऐसे यहाँ शाहकार लोग हैं जो कहते हैं कि अपनी गाड़ी पे ईंटें मारने का 1,00,000 रुपया दिया गया, ये कितनी शानदार बात है। बहरहाल ठीक है, कोई ये डॉक्टर साहब संगबारी और गुलपाशी दोनों चलते रहे, कोई शेर सुना दें। हस्बे हाल को शेर हो जाए तो हस्बे हाल क्या शेर होगा जी, वो चले हस्बे बे हाल ही हो जाए। वो मुझे सही तरह से तो याद नहीं, गलत पढ़ूंगा। नज़म के कुछ अशआर हैं कि ऐ हाकिम मुल्क को कौम जरा आंखें तो उठा, नजरें तो मिला, हमको भी बता ये किसका लहू है कौन मरा। वाह वाह, थैंक यू सर, बहुत शुक्रिया भाई जी। ठीक, शुक्रिया डॉक्टर मुसद्दिक मलिक साहब, बहुत शुक्रिया। एक ब्रेक लेते हैं और ब्रेक के बाद इसी से मुतालिक बात करेंगे, हमारे साथ रहिए। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपको खुशामदीद कहेंगे। निजामी साहब, हम प्रोग्राम के आगाज में भी बात कर रहे थे कि एक तरह से ये मरियम नवाज साहिबा की री लॉन्चिंग सेरेमनी है, और उसके बाद हमने ये भी देखा कि जो नून लीग के बहुत से MNAs और MPAs हैं वो लाहौर से नहीं हैं, और लाहौर से ना होने के बावजूद उनके नाम FIR में हैं और वो वहाँ पहुँचे हुए थे, जिनमें ये सेनेटर मुसद्दिक मलिक साहब का नाम भी है। फिर उसके अलावा जो ज़ुबैर उमर साहब हैं, साबिक गवर्नर सिंध हैं, वो कराची से आए। शाहनवाज राजा साहब जो हैं वो सरगोधा से गए। तो इस तरह बहुत से लोग हैं जो दूसरे शहरों से भी गए। एक बात तो समझ आती है कि ये सारे लोग वहाँ पहुँचे, ये पहले से तय था, होना ऐसे ही है, लेकिन इसका मकसद क्या था? और अब क्या नून लीग ने सिर्फ टीजर दिया अपने कारकुनान को कि वी आर अलाइव, या फिर अब ये सिलसिला चलता रहेगा? देखें भाई, ये मुसद्दिक मलिक जो हैं वो अक्सर यहाँ लाहौर में होते हैं, और अपनी लीडरशिप के उनकी वाइस प्रेजिडेंट, एक्चुअली वो शी इज़ दी प्रेजेंटिव प्रेसिडेंट ऑफ PMLN, और अगर वो उनके इस्तकबाल के लिए या उनके हमराह या शो ऑफ स्ट्रेंथ के लिए जाते हैं, तो इसमें पाकिस्तान एक क्लोज तो नहीं है ना, लाहौर के लाहौर नहीं आ सकते वो। ये तो अजीब सी बात की आपने, मुझे समझ नहीं आई इस लॉजिक की। और दूसरा ये है कि इस शो ऑफ स्ट्रेंथ में यकीनन ये जो पथराव वाला एलिमेंट है, अब अगर आप कहें कि मुसद्दिक मलिक या ज़ुबैर जो है वो पथराव में हिस्सा ले रहे थे, तो ये मैं मानने को तैयार नहीं हूँ, क्योंकि ये इस किस्म के लोग ही नहीं हैं जो करें। बहरहाल मुस्लिम लीग की तरफ से अगर ये जो पथराव वाला मामला हुआ है, ये भी बड़ा रेयर है, और ये अग्रेसिव एटीट्यूड तो उन्होंने उस वक्त भी नहीं दिखाया जब नवाज शरीफ की वापसी मतवक थी लाहौर में और ये सारे वर्कर गायब थे। तो ये बात अपनी जगह पर, बहरहाल ये तशद्दुद जो है जिस तरह से हुआ, ना होता तो बेहतर था। अच्छा निज़ामी साहब, इस मौजू को समेटते हैं, लास्ट बात ये बता दें, अब आगे क्या होगा? ये तनाव PMLN और PTI के दरमियान या अपोजिशन और हुकूमत के दरमियान बढ़ेगा, या फिर ये एक एपिसोड था, खत्म हो जाएगा और फिर देखें एक अरसे तक खामोशी हो जाएगी? ये गालिब गलौज व इस्लाम तराजी की जो सियासत है, ये तो वतीरा बन चुका है पिछले 2 साल में। मेरा नहीं ख्याल कि इसमें कोई कमी होगी, बल्कि इजाफा ही होगा, क्योंकि अगर APC होनी है आगे, और APC में कोई जो भी फैसले होंगे उससे तो बिटरनेस और बढ़ेगी। तो आप ये ना समझें कि ये काम होगा, ये मेरे ख्याल से एक नया चैप्टर जो है ना कॉन्फ्रंटेशन का शुरू हुआ है, ये कहना ज़्यादा मुनासिब होगा। जी ठीक है। अच्छा निज़ामी साहब, आज वज़ीर आला पंजाब उस्मान बुज़दार साहब भी पेश हुए हैं नैब में, और तकरीबन 1 घंटा 40 मिनट तक वो वहाँ मौजूद रहे। अच्छी बात यह है कि कल जो हुआ आज बिल्कुल उसका उलट देखा, बग़ैर प्रोटोकॉल वज़ीर आला वहाँ पहुँचे, अपनी बात सुनाई, उनकी बात सुनी, सवालनामा भी लिया, फिर आ गए। ये जो वज़ीर आला साहब पे बज़ाहिर जो इल्ज़ामात हैं निज़ामी साहब, इसमें एक की पोजीशन पे आप चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफ द सूबा हैं, और इस तरह का अगर आप काम करते हैं तो आप कितना फ़ायदा उठा लेते हैं, या ये सिर्फ महज इल्ज़ामात की हद तक ही है? नहीं, क्या लगता है? देखें, यू ही कट अ सॉरी फिगर टुडे, कि उन्होंने कहा मुझे तो याद ही नहीं है कि मैंने ये समरी जो है 3 दफ़ा आई मेरे पास, और ये भी आई है, मतलब है कि ये वो उन्होंने ठीक तरह डिफेंड नहीं किया अपने आप को इस मामले में।
दूसरा ये है कि जी वो जी जो वादा माफ हुआ, जो सेक्रेटरी एक्साइज है गालबन जो वादा माफ करने की साबिक साबिक डीजी एक्साइज अकरम अशरफ गोंदल साहब हैं। जी जी, तो ये भी चीज़ जो है ये बड़ी दिलचस्प है। तो दरअसल बात यह है कि मुजदार साहब को लाने वाले जो कई लोग हैं वो उनकी पोजीशन से वो ख़ुद बेचारे शरीफ आदमी हैं, नाजायज़ फ़ायदा उठा रहे हैं। अब दूसरी तरफ ये एसेट्स के मामले में उनसे पूछा गया और उनकी फैमिली के, और उनको मेरे ख्याल से एक बड़ा तवील सवालनामा जो कि नैब का तरीक़ेकार है वो थमा दिया गया। इस सारी बात में ये असल बात यह है कि वाई मिस्टर बुजदार, ये सोचने की बात है जी, वाई वाई ये इनको क्यों चुना गया, कोई ऐसे हलके हैं जो चाहते हैं कि बुजदार साहब का जो के बारे में कोई रिपोर्ट्स थी ऐसी जिसकी बेसिस पे ये किया गया, और ये इट इज़ द बिगिनिंग ऑफ द एंड ऑफ मिस्टर बुजदार अगर ये बात आगे बढ़े। फिलहाल कुछ कहना ज़रा मुश्किल है, लेकिन एक तो देखें ना, शराब का लाइसेंस जो है ना, ये इट सेल्फ बड़ा पाकिस्तान जैसे मुल्क में बड़ा ही एक एनाथीमा जैसा है कि भई आप लाइसेंस जारी कर रहे हैं और आपको काम नहीं जा जो ये शराब का लाइसेंस एक फाइव स्टार होटल को एक किसी बड़ी मोटी, देखें ना इसमें समथिंग इज दाल में कुछ कला है कि भई ये क्या मौका था कि आपने शराब का लाइसेंस दिया। शराब का लाइसेंस जो है आपको मालूम है ना कि इट्स अ गोल्ड माइन, पाकिस्तान में प्रोहिबिशन है और जितने भी ये शराब के लाइसेंस होते हैं ये परमिट लेते हैं जो मिनोरिटीज़ हैं उनके नाम, और जो भी जाए वहाँ से ख़रीद लेता है। तो ये बूट लेगिंग का एक बाकायदा एक ज़रिया है, और इस सिलसिले में अगर मुस्तार साहब ने भोलपान में कर दिया या दिनस्तर पर कर दिया, भोलपान में किया तो ये चीफ मिनिस्टर जो है उनको अपने आँख और कान जो है वो खुले रखने चाहिए, और इस किस्म की कोई भी उनको कोई कुछ, तो फिर उनका जवाब भी बड़ा अजीब है कि मुझे तो याद ही नहीं है। जी बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल ठीक है। अच्छा निज़ामी साहब, ज़रा ये बुज़दार साहब की पेशी और बुज़दार साहब पे जो इल्ज़ाम हैं इसका आप ज़रा कंपैरिजन करें। एक जानब अपोजिशन ने जो वावेला और रोना पीटना डाला हुआ है, हमारे साथ एहतसाब ने इंतकाम हो रहा है, तो अब ये इंप्रेशन तो लेना चाहिए ना कि ये एहतसाब सेलेक्टेड नहीं है, ये सिर्फ इंतकाम नहीं है, ये एहतसाब सबके लिए है, और जिस पर भी शक होगा, शुबा होगा, इल्ज़ाम होगा, उसको अपनी सफाई तो देनी पड़ेगी। देखें अभी तो है ये इब्तदाइश, आगे आगे देखिए होता है क्या। अगर तो ये महज नशस्तन गुफ्तन बर्खास्तन होता है, जैसे कि पहले भी एक दो लोग जो हैं हुकमरान जमात के उनके बारे में हुआ, फिर उसके बाद हमने कुछ सुना ही नहीं। कई ऐसे जो परफेक्ट नायब केस हैं और वो फेडरल कैबिनेट में बैठे हुए हैं। अच्छा निज़ामी साहब, बिलाखिर एक और इफ्तिताह होने जा रहा है, और BRT पेशावर 13 अगस्त को KP के हुकूमत ने ऐलान कर दिया है। वैसे तो 2017 में ये मंसूबा शुरू किया गया था, इसको बहुत जल्दी मुकम्मल होना था, ताखीर होते होते अब 2020 आ चुका है, और ये तीन साल है इस मंसूबे को, तीन साल से भी ज़ायद कर्ज़ है। ये आप क्या समझते हैं, एक तो इस पे कॉस्ट ओवररन भी है, और फिर ये उस वक्त अगर आज से साल दो पहले इसका इफ्तिताह हो जाता तो ये ज़्यादा बेहतर था, या अब भी PTI ने जो नारा लगाया था इसको लेके वो अब इसके असरात नज़र आएंगे? देखिए परवेज़ फटक साहब के दौर में शुरू हुआ था और अरबों रुपए का मंसूबा मतवातर, जैसे आपने कहा, ताखीर का शिकार रहा, कई डेडलाइंस आई कि इसके इफ्तिताह की और गुजर गई, और इसका असल मसला ये था कि इसका डिज़ाइन ही नाकस था। मसलन एक जगह से जो लाइन गुजरनी थी वहाँ से पता लगा वहाँ से ट्रेन नहीं गुजर सकती, उसको ठीक करना पड़ा। फिर इसके कॉस्ट ओवर रन का देखें ना, इब्तदाई तौर पे 49 रुपये था, और बिलियन थे जी जी, अब वो 70 बिलियन रुपयों पे जाके ये पूरा हुआ है, और
इसमें जा कसाई भी बड़ी हुई है इस लिहाज से कि लाहौर में जब बनाए BRT ये मेट्रो ट्रेन जिसको कहते हैं, तो ये बिल्कुल स्मूथ मंसूबा था, इसके बावजूद के लीगल चैलेंजेस भी थे शहर में गुजारने के लिए। फिर यही मुल्तान में अगरचे पहले करप्शन के इल्ज़ाम भी लगाने की कोशिश की, वो भी शहबाज शरीफ साहब ने साबित कर दिया कि ऐसा नहीं है, वहाँ पर बड़ी स्मूथली चला। इस्लामाबाद में भी ये चल रहा है, तो ये कोई रॉकेट साइंस नहीं थी। इससे खैबर पख्तूनख्वा की हुकूमत की, उस ज़माने की हुकूमत की कम अज़ कम नालायकी झलकती है और नाअली। जी अच्छा निज़ामी साहब, ये आपने ये परवेज़ खटक साहब का मंसूबा था, अब महमूद ख़ान साहब इसका इफ्तिताह करेंगे। और ये एक मुकाबला था, मेट्रो का मुतबादल दिया था PTI ने, लेकिन टाइम तो लग गया। कॉस्ट ओवर रन की आपने बात की है, निज़ामी साहब ये जो पाकिस्तान जैसे मुल्क होते हैं इस पे कॉस्ट ओवर रन की वजह क्या होती है, ज़रा आम लोगों को बता दें। ये प्रोजेक्ट्स अनसाउंड होते हैं या उससे पहले का जो होमवर्क है उसको मुकम्मल नहीं किया जाता, या सियासी देखा देखी में ऐसे मंसूबे शुरू हो जाते हैं? देखें बात सुने, एक बात याद रखें कि जो मैस ट्रांजिट है शहरों में, यू कैन नॉट गो रॉन्ग। ये तो देखें ना, हर आदमी टैक्सी पे नहीं बैठ सकता और टैक्सियां भी बड़ी महदूद हैं, तो इसमें कोई शक नहीं कि मैस ट्रांजिट के मंसूबे जो हैं जितने ज़्यादा बने उतने ही अच्छा है। नंबर टू, ये इल्ज़ाम लगाना जी कि ये यहाँ लगाया गया ना कि जी ये सब्सिडाइज्ड है बड़े हैवली और ये वाइट एलिफेंट है, ये भी गलत है। पब्लिक ट्रांजिट या ट्रांसपोर्ट जो है ये सारी दुनिया में सब्सिडाइज होती है, बल्कि बाज़ मुल्कों में मुफ्त भी होती है। अब जहाँ तक KP का तलक है, इसमें दो बातें आप याद रखें कि क्यों कॉस्ट ओवर रन हुआ। एक तो डिज़ाइन गलत था, उसको ठीक करने में देर लगी, कुछ इसकी सुपरविजन ख़राब थी उसकी वजह से देर लगी। अब मैं करप्शन का एलिमेंट तो नहीं कह सकता इसमें कोई था या नहीं। अब ऑरेंज ट्रेन है जिसमें अब कॉस्ट ओवर रन तो होगी कि ये प्रोजेक्ट जो है वो हवा में लिटरली खड़ा हुआ है, इसकी वो भी आ चुकी हुई हैं जो कैरेजेस भी हैं, लेकिन पंजाब हुकूमत क्योंकि ये पिछली हुकूमत की प्रोजेक्ट था इसमें दिलचस्पी ले रही। हालांकि मेट्रो और ऑरेंज लाइन जो है ये कोऑर्डिनेटेड तरीके से लाहौर के ट्रांसपोर्ट के मसले को हल करने के लिए बहुत ज़रूरी है। एक और कॉस्ट ओवर का मसला होता है कोर्ट्स का कि जी ये फलानी हिस्टोरिकल साइट से गुजर रहा है, फलाने जगह से गुजर रहा है, शालीमार घर से पार्क से गुजर रहा है, ये ऑरेंज लाइन के, फिर वो ज़बरदस्ती तो अनकरण डिज़ाइन चेंज करना पड़ता है, उससे जब प्रोजेक्ट लेट होता है तो उसकी कॉस्ट ओवर रन भी होती है। जी जी बहरहाल जी जी देर आया दुरुस्त है। अच्छा निज़ामी साहब ये कॉस्ट ओवर रन की जी जी अच्छा ये आपने सब्सिडी की बात की और ये PTI की हुकूमत ये कहती रही है कि सब्सिडी देने से जो बोझ है वो ख़जाने पे आता है, खा वो सूबाई हो या कौमी हो। अब एक जू कार्ड भी BRT को लेके इन्होंने आगाज़ किया है, अच्छी बात है, पेशावर के शहरियों को इसका फ़ायदा होगा और जितने प्रोजेक्ट्स हैं उससे आम शहरी फ़ायदा तो उठाते हैं, लेकिन भाई मैं सब्सिडी की साइंस क्या है ज़रा ये बता मैं आपको जवाब दूँ। काम नहीं है शहरियों को सब्सिडाइज़ करना, कारोबारी तबके को सब्सिडाइज़ करना? यही मैं कहने लगा था, बाज़ ममालिक में तो ये मैस ट्रांजिट मुफ्त है। दूसरे आपको बड़ा दर्द होता है जब एक गरीब आदमी का प्रोजेक्ट जो है उसमें सब्सिडीज़ दी जाए, जो यहाँ अमीरों को सब्सिडीज़ दी गई हैं, जो टेक्सटाइल और शुगर को सब्सिडीज़ दी जाती है, जो और भी बड़ी बड़ी मदों में पैसे जो हैं अरबों रुपये खर्च किए जाते हैं, लेकिन जब गरीब आदमी की बारी है तो एक ऐसी हुकूमत जो कहती है कि जी हम बड़ी तब्दीली लाना चाहते हैं, वो कहते हैं ले जी ये तो बड़ा ही सफ़ेद आती है, सब्सिडी क्यों दी? भाई सब्सिडी देने में क्या बुरी बात है? आपने किस बिजली में कितनी सब्सिडी दी हुई है, बाकी चीज़ों में कितनी दी हुई है उसका जिक्र करें, पेट्रोल पे जो टैक्स इतना लगाया हुआ उसका जिक्र करें। जी 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 बिल्कुल ठीक है निज़ामी साहब, प्रोग्राम का वक्त खत्म हो गया है, बहुत शुक्रिया आपका आज के प्रोग्राम में, अपना फीडबैक ज़रूर दीजिएगा। फैसल अब्बासी को इजाज़त दीजिए।